नमस्कार दोस्तों, विधि विधान न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा हार्दिक दिल से नमस्कार, राम राम। आज आपको कुछ दिव्य औषधियों, वनस्पति जिनमें की प्राकृतिक रूप से गॉड गिफ्ट ईश्वरीय प्रदत्त गुण रहते हैं, उसके विषय में बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले एक निर्गुण नाम का वृक्ष होता है, आप लोगों ने सुना होगा, यदि नहीं सुना है तो आप उसका नाम याद कर लीजिएगा और जहां कहीं भी मिले उसको संरक्षित करके रखें और समय आने पर, उचित समय, तिथि, नक्षत्र और दिन के हिसाब से उसको आमंत्रित करके घर लेकर आना है। तो निर्गुण को आप पहले तय कर लें कि कहां पर है, फिर उसको उचित नक्षत्र उसका जो है ना, रवि पुख्य या गुरु पुख्य नक्षत्र में उसको लेकर आना है। उसके एक दिन पहले, जैसे गुरु पुख्य गुरुवार के दिन यदि पुख्य नक्षत्र पड़ता है तो उसके एक दिन पहले बुधवार को आप पीले चावल अर्थात हल्दी में पीले करके चावल को लेकर जाना है सुबह, और वहां पर उसकी जड़ में छोड़कर उससे प्रार्थना करना है कि हे दिव्य वनस्पति, हे वृक्षराज, कल हम आपको उचित समय पर लेने आएंगे, आपको हम अभी आमंत्रित निमंत्रित करके जा रहे हैं, आप हमारे उस कार्य को जिसके लिए हम आपको लेकर जाएं, उस कार्य में आप हमें सहायता करें। इस प्रकार से आमंत्रण देकर उनको दूसरे दिन गुरु पुख्य या रवि पुख्य नक्षत्र में चौघड़िया देकर शुभ लाभ चौघड़िया में उसको लेकर आए, उसकी जड़ को लेकर आए, उसके पत्ते पंचांग को लेकर आए। पंचांग मतलब जड़, मूल, पत्ते, फल और फूल, ये पंचांग कहलाते हैं। इनको आप आमंत्रित करके रविवार या गुरुवार के दिन पुख्य नक्षत्र में लेकर आइएगा और घर आकर उनको शुद्ध करके गंगा जल से, नर्मदा जल से उनको सिंचित करें और एक पीले कपड़े पर रखकर ओम श्रीम श्रियई नमः, यह मंत्र आप ध्यान से सुने, ओम श्रीम श्रियई नमः। इस मंत्र को आप कम से कम 21 बार पढ़कर और उस पीले कपड़े पर रखे हुए पंचांग जड़ जो भी आपने प्राप्त की है उसको रखें, उसके साथ में एक चांदी का सिक्का, यदि चांदी का सिक्का ना हो तो जो भी प्रचलित मुद्रा है उसमें से एक सिक्का आप उसके साथ में रखें, दो लौंग रखें, इलायची रखें एक, और ये सब पीले कपड़े में बांधकर एक छोटी सी पोटली बनाकर अपने देव स्थान पर या अपने जहां पर आप पैसे इत्यादि रखते हो वहां पर धूप दीप देकर उसको रखिएगा। ये देखें आप कुछ ही दिन में आपके रुके हुए कार्य, जहां से धन का आगमन होता हो, जो रुक गया हो, पैसे वापस नहीं मिल रहे हो, किसी को दे दिए हो, या आपका व्यापार बिजनेस ठप हो गया हो, तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में वह पुनः चलने लगा और धन के आने के रास्ते खुल गए हैं। ये सब उस निर्गुण के पौधे का ही कमाल, ईश्वर प्रदत्त गुण के कारण है। आप उसको करिए, अवश्य इससे लाभ होगा। ये मेरा स्वयं का अनुभव सिद्ध प्रयोग है, लेकिन उसमें शर्त यही है कि उचित दिन, तिथि, नक्षत्र और आमंत्रित कर उसको लेकर आना है। फिर उसके साथ आपको ये मंत्र भी बोलना है, ओम श्रीम श्रियई नमः।
लक्ष्मी का मंत्र है, धन प्राप्ति का यह अपने को साधन सुलभ करवाता है, यह निश्चित है, आप इसको करके देखें, अजवाएं। इसके बाद एक और विचित्र वनस्पति संसार में भगवान के द्वारा उत्पन्न की गई है, उसको अपन गुंजा नाम से भी बोलते हैं, उसको रत्ती भी बोलते हैं। जो सुनार लोग पहले सोना तोलते थे, लाल रंग की, जिस पर काली एक बिंदी बनी रहती है, इसी प्रकार उस रत्ती के कई प्रकार हैं। एक रंग काली, एक रंग सफेद और एक रंग लाल, इनमें स्वयं स्वाभाविक ईश्वरीय प्रदत्त गुण हैं। ये औषधीय में भी काम आती हैं, तंत्र और मंत्र में भी काम आती हैं। लेकिन इनका एक अलग अनुष्ठान है, बिना गुरु के सानिध्य में, बिना गुरु के निर्देशन में इसको नहीं करना चाहिए। अतः इसके बारे में यदि आपको जानकारी लेना है तो इस विधि विधान न्यूज चैनल के द्वारा आपको जो नंबर प्राप्त है उस नंबर पर आप बात करें, आपको इसके विषय में और भी गूढ़ रहस्य जो अभी तक आपने नहीं सुने होंगे वह आपको बताए जाएंगे, इससे आप लोग सही लाभ लें, ये मेरी कामना है। गुरु महाराज की कृपा से यह उपलब्ध भी सरलता से हो जाती है, लेकिन कुछ जैसे एक रंग लाल रंग की गुंजा मिलना बड़ा दुर्लभ है, वह आपको प्रयत्न करने पर भगवान की इच्छा कृपा हुई तो वह भी आपको प्राप्त हो जाए। यदि प्राप्त हो जाती है और आप उसके विषय में जानना चाहते हैं तो विधि विधान न्यूज चैनल के माध्यम से दिए गए नंबर पर आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफी है। नमस्कार। जय राम जी की जय माता जी।